हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। ये फिजिक्स न्यूमेरिकल का जो पार्ट चल रहा है उसका ये पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। और ये फोर्स यानी कि बल से ही पार्ट दूसरा है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और बल का जो पार्ट 1 था यानी कल के लेक्चर में मैंने फोर्स चैप्टर से जो भी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करा दी थी। अब उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर एमसीक्यूज होंगे और न्यूमेरिकल होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जो मात्र 30 मिनट का था और उसमें 1 घंटे से ज़्यादा का मैटर आपको कवर कराया गया है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जरूर देखिएगा, 6 बजे का आप ये सर्च कर सकते हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल बाय दूसरे या हाईवे क्लासेस पर जाके, हाईवे क्लासेस सर्च करके प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी है हम लोग क्वेश्चन देखना है, एक व्यक्ति 0.5 किलोग्राम की एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर उछालता है, ठीक है। ऊपर गेंद का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का संवेग क्या होगा। देखो संवेग से रिलेटेड कल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी कि नहीं, वही काम आएगी। संवेग बराबर होता है, संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, संवेग बराबर होता है m इंटू वी, ठीक। अब अगर आपने प्रारंभिक संवेग लिया है तो आपको m इंटू प्रारंभिक वेग लेना पड़ेगा, आपने अंतिम संवेग निकालना है तो m इंटू अंतिम वेग लेना पड़ेगा। तो ये अंतिम संवेग है और ये प्रारंभिक संवेग है, इन दोनों में अंतर करना है तो आपको डेल्टा p लिखना पड़ेगा और पहले लिखना पड़ेगा m v, फिर लिखना पड़ेगा m u। और डेल्टा p से हम लोग हम कॉमन भी ले सकते हैं v माइनस u। ये है अंतर, किसमें किसमें अंतर है, ये है संवेग में अंतर, ठीक है। इतना हमने बता दिया क्योंकि संवेग से बात है। चलो देखो हमको दिया क्या क्या गया, हमको दिया गया m इक्वल टू दिया गया है 0.5 किलोग्राम, ठीक। 0.5 किलोग्राम की गेंद है और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर उछालता है, गेंद का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, ठीक। अब प्रारंभिक संवेग पूछ रहे हैं तो u इक्वल टू आपको दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1.5 किलोग्राम की एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर उछाला गया, ठीक है। प्रारंभिक गेंद का प्रारंभिक संवेग निकालना है तो पहले a पार्ट निकालना है, संवेग बराबर हमने बता दिया p इक्वल टू m u। अब m u होगा यहां पर क्योंकि प्रारंभिक संवेग निकालना है, m का मान है 0.5 गुणे U का मान है 10, तो हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है या न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, दो मात्रक होते हैं, यही संवेग का मात्रक है, यही आवेग का भी मात्रक है। तो ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का संवेग क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का संवेग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का संवेग क्या होगा। तो देखो अधिकतम जब ऊंचाई पर जाएगी संवेग, तो यहाँ पर जो इसका v होगा ना वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर ये गेंद 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, 0.5 किलोग्राम की है, और ऊपर जाते जो अंतिम वेग इसका क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो ये जाके अधिकतम ऊंचाई पर रुकेगी फिर नीचे आने लगेगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, v इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये चीज आप समझनी है। तो अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का संवेग p बराबर होगा m इंटू वी, m का मान है 0.5 और गुणे v का मान है जीरो, जब हम लोग गुणा करेंगे तो संवेग आएगा जीरो। बस इसका यही राइट आंसर है दूसरे वाले पार्ट का, अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का संवेग क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो कल ये थ्योरी भी मैंने पढ़ाई थी, अब ये उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि एक कार जिसका भार 2400 किलोग्राम है, भार का मतलब यम का वैल्यू दिया गया है, वो कितना है 2400 किलोग्राम, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में रोक दी जाती है, तो यू का मान कितना है 20 मीटर पर सेकंड। जब ब्रेक लगाकर रोकी गई तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, जीरो हो जाएगा। भाई जब गाड़ी रुकेगी तो अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कितने सेकंड में रोकी गई है, 10 सेकंड में, यानी कि टी का मान कितना दिया गया, 10 सेकंड में रोकी गई। इसको रोकने वाले बल की गणना कीजिए।
देखो रुकने वाले बल की गणना कीजिए, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है यम ए। अब देखो आपको इसमें क्या क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया, यम का मान दिया गया है और ए नहीं दिया गया। ए हम लोग निकालेंगे, ए कैसे निकालते हैं, ए निकालते हैं वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, वी का मान कितना है, वी का मान है 0 माइनस यू का मान कितना है 20 और टी का मान कितना है 10। हमने इसको सॉल्व किया तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि 0 घटाओगे तो हो नहीं। अब ये माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है, ये माइनस का ए आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मंदन हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। ब्रेक लगाने से भाई स्पीड बढ़ेगी थोड़ी ना, कम हो जाएगी, तो और कुछ इसका माइनस का मतलब नहीं है। अब देखो बल कितना लगेगा, एफ इक्वल टू यम कितना है 2400, में ए कितना है 2, तो 24 का डबल हो जाएगा 4800 न्यूटन। ये इतना बल लगे जाके 4800 न्यूटन का, ये अपना राइट है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। अब यहां पर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि माइनस का क्या हुआ, उस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। ये माइनस यही शो करता है कि मंदन हो रहा है। ठीक है, और न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया भी होती है। अगर ब्रेक ने इस पे बटन लगाया होगा तो इधर से भी वही रहा होगा, तो इसीलिए माइनस होता है, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव 5 किलोग्राम, सॉरी यम, यम इक्वल टू कितना है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम की एक गेंद, ये गेंद है, और इसकी गति क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कैसे चल रही है, 20 न्यूटन का बल लगाकर। देखो एन का एफ का मान दिया गया है 20 न्यूटन का बल लगाकर इसे कितनी देर में रोका जा सकता है, यानी कि टी का मान आपसे पूछा गया है। अब देखो अगर आप गेंद को रोकोगे टी का मान, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। अगर गेंद रुकेगी तो अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि टी क्या होगा, तो देखो एक फार्मूला है हमारे पास, एफ बराबर एम ए। अब देखो कहीं पर हमें ए पता है, नहीं पता है, तो ए निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकलता है, वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना है 0 है, यू कितना है 20 है, और टी कितना है, टी तो हमको निकालनी है, टी तो निकालना है। ठीक है, तो यहां से तो टी नहीं निकलेगा। ओके, तो फिर इसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो वो अपने गति के नियम भी पढ़े हैं, गति के नियम, एक पहला ही गति का नियम है v बराबर u प्लस at, है ना, v बराबर u प्लस at है। वहां से देखो एक चीज, यहां से देखो f का मान आपको दिया गया है कितना 20 न्यूटन, तो हमने यहाँ 20 न्यूटन रख लिया। अब m का भी मान दिया गया है 5, तो a तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा ना, 5 से काट दिया 4, a बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस अब हमको यहीं पे रखना था, यहाँ पे ए का मान हमने निकाल लिया है, ए का मान आ गया 4 और वी का मान है 0, यू का मान कितना है, यू का मान है 20 और बटे में कितना टी। तो आप देखेंगे कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टी बराबर यहां से आ जाएगा, 4 से जब हम लोग इसको काट देंगे, 4 पंचे 20, टी बराबर आ जाएगा आपका 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में रुक जाएगी, 5 सेकेंड में रुक जाएगी। देखो यहां से ए का मान माइनस का 4 हमको ले लेना चाहिए, जिससे ये माइनस माइनस कट जाएगा ऐसे करके, तो 5 सेकेंड निकल के आ जाएगा। अब गाड़ी, ये माइनस का ए क्यों लिया, क्योंकि गाड़ी रुक रही है, इसका हम लोग त्वरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो मंदन हो रहा है, तो हम लोग क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं। जब माइनस का लेते हैं तो उसको प्लस कर लेते हैं, जो प्लस का लेते हैं तो माइनस कर लेते हैं। यहां से इसका कोई समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, ये चीज आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, एकदम से लग जाएगा। एफ बराबर एम ए, एफ का मान दिया गया आपका कितना 20 न्यूटन, एम का मान दिया गया 5, तो यहाँ से हमने ए निकाल लिया, ए निकाल लिया 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड ले लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी रुक रही है, बल लगा के कितनी देर रोका जा सकता है, गाड़ी रुकने से मंदन होता है, तो मंदन हमको ऐसे लेना चाहिए। तो ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी, तो ए का मान -4, वी आपका 0 है क्योंकि गाड़ी रुक रही है, और U आपका दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड, बटे मीटर टी होता है, माइनस माइनस कटा, 4 पंचे 20, टी बराबर आपका 5 सेकेंड। ओके, सभी लोगों को क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 किलोग्राम
द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को कितना समय लग जाएगा। ठीक है, देखो यम का मान आपको दिया गया है 25 किलोग्राम और यफ का मान दिया गया है आपको 200 न्यूटन और विरामावस्था से चलेगी, तो विरामावस्था चलेगी तो यू का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि विरामावस्था से यू का मान जीरो हो जाएगा। से 64 मीटर चलने पर, यानी कि यस का मान दिया गया है कितना, 64 मीटर चलने पर उस पिंड को कितना समय लगेगा, मतलब हमसे पूछ रहे हैं टी कितना हो जाएगा। तो आप गति के समीकरण को भी याद कर सकते हैं। और तो देखो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले वही यफ बराबर एम ए निकालना पड़ रहा है हमेशा। यफ का मान कितना है 200, यम का मान कितना है 25, यहाँ से ये 25 × 8 = 200, ए बराबर आ गया 8 m/s² ठीक है। अब यहाँ से हमको टी निकालनी है, तो देखो टी कैसे निकलेगी, टी अगर आप ए की सहायता लोगे, जैसे ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पर आपको वी और यू दोनों पता होना चाहिए तब, और ए तो हमको पता चल गया, दोनों पता चल, टी आ जाए, यहाँ पर हमको केवल यू पता है वी नहीं पता, इसलिए इस वाले का तो हम यूज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कर नहीं सकते। अब एक फार्मूला हमारे पास है, गति का नियम है दूसरा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यस का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, गति के नियम हमने Part 3 और 4 में कंप्लीट करा दिए थे। तो देखो यहाँ पर यस का मान हमको दिया गया है कितना, 64, वो रख दिया। यू टी देखो यू का मान 0 है, टी भी साथ में 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए, ए का मान हमने निकाल लिया 8, और टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर को ऐसे लिख लो, 2 से हमने 8 को काट दिया 4, और 4 को जब हमने 64 से काटा तो यहाँ पर 16 आ गया। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि टी स्क्वेयर बराबर 16, तो टी बराबर 4 सेकेंड, बस ये अपना राइट आंसर है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड, देखो 16 बराबर टी स्क्वायर था, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टी स्क्वायर बराबर 16, तो टी बराबर 4 सेकेंड, तो अपना राइट जो आंसर हो जाएगा वो 4 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, इतना समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे कैरी करते हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपना वही ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है उसी पे आप मैसेज करना, मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, या ऐसा जो भी सवाल हो आप पूछने कंपटीशन के लायक है तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने से वह 50 मीटर चलकर रुक जाती है, ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो देखो कार कितने द्रव्यमान की है, यम का मान कितना है 2000 किलोग्राम, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है यू, यू देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है ब्रेक लगाने से, तो यू का मान है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हम लोग गुणा करते हैं, 18 × 72 = 72, 4×5 = 20 m/s, और वी का मान हो जाएगा यहाँ से 0, क्यों, क्योंकि वो जब ब्रेक लगाकर रुकेगी तो उसका अंतिम में क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल बताइए, तो बल बराबर होता है एफ बराबर होता है यम ए, ठीक है, क्या होता है यम ए, तो यम का मान तो पता है, ए निकालना है, और यहां से देखो ये ब्रेक लगाकर वो 50 मीटर चलकर रुक जाती है, 50 मीटर चलकर, यानी कि यस का मान आपको दिया गया है 50 मीटर। अब यहां से पहले आप क्या निकालोगे, ए निकालने का प्रयास करेंगे। ए के लिए देखो ए कैसे निकलेगा, ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी, देखो हमको हमको वी पता है, यू पता है, वी पता है, यू पता है, लेकिन टी नहीं पता है। अब टी नहीं पता है तो ए फिर नहीं निकल पाएगा, तो फिर कुछ और सोचो, पहले तो टी निकालने का सोचो। यस बराबर, अभी आपको एक गति का समीकरण बताया गया, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यहां से भी ए हमको पता है नहीं, टी भी नहीं पता है, तो यहां से भी कैलकुलेट होना मुश्किल है। ठीक है, यहां से भी नहीं निकाल सकता है। एक फार्मूला और हमारे पास, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as, यहां से आपका यस निकलेगा। ठीक है, देखो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रह गया, यहां से निकलेगा v का मान 0 हो गया, तो यहाँ 0 का वर्ग करोगे तो यहाँ 0 बराबर, u का मान हमको पता है, u का मान है 20, तो 20 का वर्ग हुआ 400 प्लस 2a हमको निकालना है, यह हमें पता है कितना 50। अब ये वाली वैल्यू जो बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 2 × a × 50 = 400, 0 से 0 काटा, 5 × 8 = 40,
और दो से काट दिया चार, तो ए बराबर आ गया माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए नहीं कटा है, ए वो कट गया है, ठीक है, माइनस का था ये, इधर माइनस आ गया, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ब्रेक लगा है तो गाड़ी मंदन हुई होगी, मंदन माइनस का साइन आ गया, इससे ये सिद्ध हो गया कि गाड़ी में मंदन हो रहा है। ए का मान कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बताना था बल, यम का मान हमें पता है, यम का मान है 2000 किलोग्राम, ए का मान आ गया 4, तो 2000 का 4 गुना हो जाएगा, 4 × 8000 न्यूटन, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, 8000 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गति का हमारा जो थर्ड लॉ था वो यहाँ पर काम आया, गति के नियम भी देखो यहाँ पर काम आ रहा है, इसीलिए सेकेंड से चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको मेजरमेंट पढ़ाया, फिर आपको पढ़ाया मैंने गति के नियम पढ़ाए और थ्योरी कराई गति के नियम। अब देखो हमने आपको फोर्स पढ़ाया, फोर्स में बल में कुछ बच्चों का मैसेज था कि थोड़ा और जो है थ्योरी को भी सर थोड़ा साथ में ले लें, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो भी हमने साथ में ले ली, अब उसी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं बल में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इनको सॉल्व करना, किसी कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही विधिवत से बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, एक पिंड का संवेग 2 मिनट में, देखो 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है, पिंड पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो देखो यफ बराबर होता है क्या, डेल्टा पी अपॉन टी, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं, संवेग परिवर्तन की जो दर है वही बल है। ठीक है, और डेल्टा पी कैसे निकलता है, हमने बताया आपको, पी बराबर होता है यम वी होता है, पी बराबर यम यू होता है, और इनमें परिवर्तन निकालोगे तो यम वी माइनस यम यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर आरोपित बल की गणना करना है, तो डेल्टा पी निकालना है, तो डेल्टा पी निकाल लो भाई। डेल्टा पी कैसे निकलेगा, पहले तो लिखा जाएगा यम। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर संवेग डायरेक्ट दिया गया है, निकालने की जरूरत नहीं है, 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से 600 किलोग्राम हो गया, तो पिंड पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए, तो पिंड पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए, कितने मिनट में, 2 मिनट में, तो 600 से 150 से 600 हो गया, कितना बढ़ गया अभी पता चल जाएगा, कितने मिनट में बढ़ा, 2 मिनट में, तो 2 मिनट को हम लोग सेकंड में बना लेंगे, तो 0 में से 0 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 4.5 बढ़ गया 2 मिनट में, 0 0 काट दिया, 45/6 × 12 भाग करेंगे, 5 × 48 नहीं जाता, 12 3 36, और बचे कितने, 12 12 3 36, बचे गए कितने 9, और हो गए 90, 62 84 दशमलव लगा के, 62 84 बचे 6, हो गए 60 12 5 60, ये आ जाएगा आपका न्यूटन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, 3.75 न्यूटन का बल लगेगा, कितने का बल लगेगा, 3.75 न्यूटन का बल लगेगा। यफ बराबर आपका, ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कल की थ्योरी में, यफ बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन टी, और संवेग में परिवर्तन कितने का हुआ, 150 पे कार चल रही थी, 600 में चलने लगी, तो संवेग में परिवर्तन जो हुआ है वो 450 का, कितने मिनट में, 120 मिनट में, तो यहाँ 120 मिनट ले सकते हैं, 0 0 काटा, 45/2 जो हमने भाग किया तो आ गया 3.75 न्यूटन का इस पे बल कार्य कर रहा था संवेग के अनुसार, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, एक मोटर कार का द्रव्यमान कितना है, यम बराबर 1000 किलोग्राम है, विरामावस्था से चलकर, तो इसका मतलब यू बराबर आपका 0 हो गया, तो चलकर वह 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड में, टी का मान दिया गया है 10 सेकेंड में, वी वी बराबर दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो अब हमें क्या क्या बताना है, देखो कार का त्वरण बताइए, तो त्वरण बराबर ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी, तो वी का मान आपका कितना है 20 है, यू का मान कितना है 0 है, और टी कितना है 10, तो 20 में से 0 जाएगा बचेगा 20/10, 0 0 काट दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका पहला राइट आंसर हो गया, कार का त्वरण कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। दूसरी बात है कि कार का संवेग परिवर्तन बताइए, कार में संवेग का परिवर्तन कितना हुआ है, तो वो चीज देखो कार में संवेग परिवर्तन कितना हुआ है ये भी हम देख लेते हैं, तो संवेग परिवर्तन बराबर क्या होता है, डेल्टा पी बराबर क्या होता है, ये चीज देखो, डेल्टा पी बराबर होता है
यम इंटू वी माइनस यम इंटू यू। तो यम का मान अगर हम यम कॉमन भी ले लेंगे तो वी माइनस यू हो जाएगा। तो यम का मान हमको दिया गया है 1000 और वी कितना है, वी है 20 मीटर पर सेकेंड और u है 0, तो 20 में से 0 बजाएगा 20 ही आएगा। तो संवेग परिवर्तन कितना हुआ, 20 गुणे 1000, तो आंसर आ जाएगा 20000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये संवेग परिवर्तन है, ठीक है। तो इसका राइट सेकेंड का जो राइट आंसर आ जाएगा, सेकेंड जो ऑप्शन है, सॉरी सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा 20000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहो या न्यूटन इंटू सेकेंड कहो, दोनों एक ही बात है क्योंकि ये संवेग के ही मात्रक हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कार पर आरोपित बल बताइए, कार पर आरोपित बल कितना होगा, तो वो चीज हमको निकालनी है, ठीक। तो कार पर आरोपित बल यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो आप एम का मान तो दिया गया है कितना 1000 और ए का मान कितना निकाल लिया था 2, तो गुणा करेंगे तो 2000 न्यूटन आ जाएगा। कार पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, 2000 न्यूटन हो जाएगा। एक फार्मूला और अभी एफ बराबर हमने आपको बताया था, तो डेल्टा पी अपॉन टी यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो डेल्टा पी यानी डेल्टा पी अभी आपने निकाला, संवेग परिवर्तन कितना है 20000 और समय कितना लग गया 10 सेकेंड, तो 10 से भाग करेंगे 20000 में, तो ये देखो 2000 न्यूटन यहाँ से भी निकल के आ गया। तो कहीं से भी निकाल लो अगर आप एक बार सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपके तीन तीन क्वेश्चन कवर हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार ज़्यादा कठिन नहीं आई है, ज़्यादा कठिन नहीं कहेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पर ही क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो आपके प्लस पॉइंट बन जाएंगे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में, अगर उन्होंने न्यूमेरिकल पूछ लिए तो। हो सकते काफ़ी बच्चे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, बहुत से साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, उनकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, उनकी साइंस बैकग्राउंड से अच्छी ना होने के कारण उनका ये चीज़ कमज़ोर है, तो वो प्लस पॉइंट रहेगा सभी के लिए, अगर आप सीख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदूक से जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम यानी कि बंदूक जो है उसका द्रव्यमान यम बराबर कितना है 10 किलोग्राम है, 0.16 किलोग्राम की गोली यानी कि एक गोली है, वो 0.16 किलोग्राम की गोली 80 मीटर पर सेकेंड यानी गोली जो है 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है, ज्ञात कीजिए कि बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी। देखो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से बात हम कह सकते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कहें या न्यूटन के तीसरे नियम से कहें, दोनों एक ही बातें बताते हैं। संवेग संरक्षण का नियम ये बताएगा कि जो जितना बल बंदूक आगे भागने में गोली आगे जाने में लगाएगी, उतना ही पीछे जाने में बंदूक पर भी लगता है। यही जैसे न्यूटन का तीसरा नियम है कि बंदूक दागते समय, गोली दागते समय पीछे की ओर झटका क्यों लगता है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जितनी तेज से गोली आगे बढ़ेगी वो उतनी तेज से पीछे की ओर धक्का मारती है, तब जाके वो आगे बढ़ पाती है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बंदूक का संवेग बराबर होगा गोली के संवेग से, तो ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, तो बंदूक का वेग हमने वी मान लिया है, तो देखो इसका बंदूक का संवेग क्या हो जाएगा, यम इंटू वी, और इसका भी बंदूक यम इंटू वी, संवेग बराबर होता है P बराबर क्या होता है m into v होता है, ठीक है। तो दोनों के संवेग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम यहां से कहेंगे कि m का मान यहाँ कितना होगा 10 किलोग्राम, v हमसे पूछा गया है और यहाँ है 1.6 और 80 मीटर पर सेकेंड यानी कि द्रव्यमान यहाँ गोली का कितना है 0.16 और इसकी वेग कितना है 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप जानते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, V बराबर हो गया 16.28 और यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर लगा देंगे 1.28 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड की गति से वो पीछे की ओर हटेगी। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बंदूक का वेग प्लस गोली का संवेग बराबर 0 होता है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे की अपोजिट। देखो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक के क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है लेकिन विपरीत दिशा में, दिशा कैसी होगी विपरीत, यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन ऐसे करके कह सकते हैं माइनस पी अपॉन 0, वो एक ही बात आ जाएगी, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका आंसर आ जाएगा 1.28 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होती है लेकिन उनका जो दिशा होती है वो अपोजिट होती है। जैसे ये बंदूक है, कोई दाग रहा है तो गोली इधर को जाएगी लेकिन वो पीछे की धक्का इधर को लगेगा, तो आप देख रहे हैं गोली इधर जा रही है, धक्का इधर को लग रहा है। इसका मतलब दिशाएं क्या होती है, विपरीत होती है, लेकिन बल क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आप समझ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 किलोग्राम की एक तोप से एक गोला दागा जाता है। एक तोप है और 150 किलोग्राम की एक तोप है, एक से गोला दागा जाता है, 1.5 किलोग्राम का गोला का तोप है और जिसकी चाल है 60 मीटर पर सेकेंड वेग से निकलता है, तो तोप पीछे हटने का वेग, तो वही है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हम लोग कहेंगे दोनों के संवेग बराबर होंगे, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तोप का वेग हमसे पूछा गया, वो हमने वी मान लिया। गोली का संवेग 1.5 गुणे द्रव्यमान कितना है गोली का, 1.5, तोप का 1.5 गुणे वेग कितना है, 60। तो हम लोग यहाँ से 15 चौके 60 कह सकते हैं और पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कह सकते हैं कि भाई 15 चौके 60, 0 से 0 चला जाएगा, अब ये वाला 10 बटे में आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 6/10 या 10.6 कह लीजिए। इसको सरल तरीके से और काटें तो ऐसे काट सकते हैं हम लोग, दोनों के संवेग बराबर हो जाएंगे, 150 गुणे v बराबर 1.5 गुणे 60। पॉइंट आके यहाँ 0 बढ़ाया तो ये 15 और ये 15 कट गया, ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया, तो v बराबर ये देखो 6/10, 6/10 का मतलब होता है 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से तोप जो है पीछे हटेगी। ठीक, ये इसका आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर स्थिर बल लगाने पर वह प्रथम सेकंड से 3 मीटर तथा अगले सेकंड से 1 मीटर अतिरिक्त दूरी तय करता है। पिंड पर लगा बल ज्ञात कीजिए, पिंड पर लगा बल ज्ञात करना है। देखो, बल ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला है, यफ बराबर एम ए। यम का मान तो 2 किलोग्राम दिया गया है लेकिन ए नहीं है, ए कैसे निकालोगे। ए के लिए हमें यह भी नहीं पता है कि वी कितना है, यू कितना है और टी कितना है, कुछ नहीं पता है। तो देखो, यहाँ पर यह पता है कि वह प्रथम सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितनी दूरी चला गया, 3। तो हम लोग यहाँ पर इसे निकालेंगे, यस दूसरे वाले गति के समीकरण, यस बराबर UT+ ½ AT² से। तो देखो, 2 किलोग्राम के द्रव्यमान एक पिंड पर स्थिर बल लगाने पर वह प्रथम सेकंड में 3 मीटर तथा अगले सेकंड में 1 मीटर अतिरिक्त दूरी तय करता है। ठीक, तो देखो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये गति का दूसरा समीकरण है। देखो, यहाँ टी का मान कितना है, 1 है, तो यस कितना है, 3 मीटर चलेगी, तो यस की जगह पर हम लोग 3 मीटर लिखेंगे, यू को ऐसे लिखेंगे और टी का मान 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हाफ ए 1 हमें निकालना है, टी कितना है, 1, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इक्वेशन हमारा ये बन गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा क्या है कि अगले सेकंड में वो 1 मीटर अतिरिक्त चलेगा। अब यहां से ये बात ध्यान समझने वाली है कि 1 सेकंड में वो कितना चला, 3, जब दूसरा सेकंड में आया तो 1 मीटर अतिरिक्त चला, यानी कि दूसरे सेकंड में वो कितना चला, 4, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सेकंड में वो कितना दूरी चला, 7, 4 और 3 7। तो यही बात समझो यहाँ पर कि 2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 2 सेकंड में चली गई दूरी 7 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हमने समझा दी है, तो अब की बार सेकंड का मान दूर, यस की जगह पर हम लोग 7 रखेंगे और यू ऐसे रखना है, टी का मान कितना है, 2, क्योंकि टी 2 रखनी है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी का मान 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 2 से काट दिया यहाँ पर 2। तो यहां से एक समीकरण हो रहा है, 7 बराबर 2u+2a, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर यहाँ से हमको a का मान मिलेगा, a का मान मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखें तो बिना सॉल्व करिए, तो देखो इसमें हम लोग 2 से गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2u, 2 से गुणा कराओगे ये 2 कट जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। अब देखो, इन दोनों में से आपस में घटाने पर ये वाला घट जाएगा, तो यहाँ से दोनों का 2a और यहाँ पर a इनमें घट जाएगा, तो a का मान कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग f बराबर ma में वैल्यू रख लेंगे, f बराबर ma, m का मान हमें पता है, m का मान कितना है, 2 किलोग्राम, a हमने निकाल लिया है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो
F बराबर हो जाएगा 2 न्यूटन, कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, कितना बल लग रहा है इस पर, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक पर लिखिएगा और इनको सॉल्व करिएगा, तो जो आंसर आए आप उनको मिलाइएगा मेरे साथ, आपके आंसर सही है तो ठीक है, आपने पूरी थ्योरी अच्छे से तैयार कर लिया, और ये लेक्चर पूरा आपका टाइमिंग इसकी 6 बजे, आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, और 8 बजे वाला भी लेक्चर देखना, क्योंकि 8 बजे वाले में क्या है, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और जिससे कि वो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, और किसी भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमें ऑफिशियल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9935012125 पर।